19 नवंबर 2023 एक अमिट तारीख। नई पीढ़ी के भारतीय फैंस इस तारीख को आसानी से नहीं भूल पाएंगे। थोड़े पुराने लोगों के लिए तो ये बस 23 मार्च 2003 का दोहरावा था, लेकिन नए वालों को ये दर्द पहली बार मिला। भारतीय क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी और इसके कुछ ही घंटों बाद 22 नवंबर 2023 को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अनाउंस किया कि गौतम गंभीर घर लौट आए हैं। टीम के मालिक शाहरुख खान इस मौके पर बोले, गौतम हमेशा से परिवार का हिस्सा रहे हैं। ये हमारे कप्तान की एक अलग अवतार यानी मेंटोर के रूप में घर वापसी है। उन्हें बहुत मिस किया गया था और हम इस बात के लिए उत्साहित हैं कि चंदू सर और गौतम मिलकर इस टीम में कभी हार ना मानने वाली भावना और वो खेल भावना भरेंगे जिसके लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। ये दोनों टीम केकेआर के साथ जादू करेंगे, बोले तो गंभीर भी थे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, मैं एक भावुक व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे बहुत चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अलग है। ये उस जगह पर वापसी है जहाँ से सब शुरू हुआ। आज जब मैं दोबारा से वो पर्पल और गोल्ड जर्सी पहनने के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा गला रुंध रहा है और मेरे दिल में एक आग है। मैं ना सिर्फ केकेआर में वापस आ रहा हूँ बल्कि मैं खुशियों के शहर में लौट रहा हूँ। मैं वापस आ गया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं नंबर 23 हूँ, मैं केकेआर हूँ। इतनी कहानी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आईपीएल 2024 जीतने के बाद टीम के सीनियर मेंबर नीतीश राणा ने भी एक कहानी सुनाई है। ये कहानी अलग ही है और बताती है कि गौतम गंभीर किस मिट्टी के बने हैं। चैंपियन बनने के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए राणा बोले, मैं एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब गंभीर भैया को मेंटोर बनाया गया, मैंने उन्हें बधाई देने के लिए एक लंबा मैसेज किया क्योंकि मैं सच में काफी खुश था। इस मैसेज के जवाब में उन्होंने लिखा, जो भी तू लिख रहा है उसके लिए थैंक यू, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब हम पोडियम पर खड़े होकर ट्रॉफी उठाएंगे। आज वो दिन है और मैं वो संदेश कभी भूल नहीं पाऊंगा। यानी गंभीर का लक्ष्य पहले दिन से क्लियर था। इतना ही नहीं, उनका एक वीडियो भी अक्सर दिखता है। 16 मार्च यानी आईपीएल शुरू होने से पहले ही गंभीर ने एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान टीम से कहा था, जिन लोगों ने मेरे साथ खेला है वो लोग मेरे बारे में एक बात जानते हैं कि इस ग्रुप के सभी लोगों को एक समान ट्रीट किया जाएगा। यहाँ कोई सीनियर जूनियर नहीं होगा, कोई डोमेस्टिक इंटरनेशनल नहीं होगा। तो हमारा एक ही मिशन है और वो ये है कि हमको आईपीएल जीतना है। हर किसी को एक सिंपल रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। 26 मई तक हम अपना सब कुछ झोंक देंगे और ये आज से ही शुरू होगा। ये 26 से शुरू नहीं होगा, ये 23 से शुरू नहीं होगा। बता दें कि केकेआर ने 23 अप्रैल से अपना कैंपेन शुरू किया था और गंभीर के इस वीडियो के सामने आने तक आईपीएल का पूरा स्केड्यूल भी नहीं आया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।